आज एमसीडी के हाउस में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गुंडागर्दी का, अपनी लफंगई का एक और प्रमाण पूरे देश के सामने रखा है। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव चल रहा था, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव और उसकी वोटिंग पीसफुली हुई, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग पीसफुली हुई, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने हमारी मेयर पर, एक महिला मेयर पर, स्टेज पर चढ़कर बुरी तरह से हमला किया। मेयर को अपनी जान बचाने के लिए शेली ओबेरॉय जी, यूनिफाइड एमसीडी की, दिल्ली की पहली मेयर, एक महिला, उनको अपनी जान बचाकर हाउस से भागना पड़ा। हाउस से वो बाहर गई, हाउस के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने, पुरुष पार्षदों ने उन पर फिजिकली असॉल्ट किया, उन पर फिजिकली हमला किया। ये क्या गुंडागर्दी है भारतीय जनता पार्टी की? जब चुनाव हार गए हो तो अपनी हार को मानो। काउंटिंग के समय जब तुम्हें समझ में आ गया कि तुम एक वोट से हारने वाले हो, तो आपने मारपिटाई शुरू कर दी, आपने महिला मेयर पे हमला शुरू कर दिया। पुरुष काउंसलरों ने स्टेज पर जाकर दिल्ली की पहली महिला मेयर डॉक्टर शेली ओबेरॉय पे हमला किया है। भारतीय जनता पार्टी की ये गुंडागर्दी देखकर पूरा देश शर्मसार है। आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हार जाती है तो पहले ठीक से इलेक्शन मेयर का नहीं होने देती है, डिप्टी मेयर का नहीं होती है, इलीगल तरीके से एल्डर मैन अपॉइंट करती है, उनसे इलीगल तरीके से वोट करवाने की कोशिश करती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जाकर हम चुनाव करवाते हैं। चुनाव उनके तरीके से नहीं होता तो कल के चुनाव में बैलेट बॉक्स चोरी करके चले गए, बैलेट पेपर फाड़ दिए। आज हमने उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हुए एक से चुनाव करवाया, फिर से चुनाव करवाया। मेयर ने उनकी सारी कंडीशंस एक्सेप्ट करी कि फोन भी अलाउड नहीं है। उसके बाद जब काउंटिंग में उनको समझ में आता है कि वो चुनाव हार रहे हैं, वो मेयर पे हमला कर देंगे। ये कैसी गुंडागर्दी है? क्या भारतीय जनता पार्टी जनादेश को स्वीकार नहीं कर सकती है? दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुन के भेजा है। भारतीय जनता पार्टी वालों, अपनी गुंडागर्दी बंद करो, लोकतंत्र का सम्मान करो, दिल्ली की जनता के जनादेश का सम्मान करो, संविधान का सम्मान करो। ऐसी बूथ कैप्चरिंग तो 30-30 साल पहले बिहार में नहीं होती थी, जो आज पूरे देश के सामने, कैमरास के सामने, देश की राजधानी में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद कर रहे हैं। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के अपील है, दिल्ली के जनता के जनादेश को स्वीकार करिए, गुंडागर्दी बंद करिए, और महिला मेयर पे जो हमला करते हैं उसको बंद करिए। महिला मेयर पे जो हमला हुआ है उस पर हम पूरी कानूनी कार्यवाही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं, जिन्होंने महिला मेयर पे हाउस के अंदर और हाउस के बाहर हमला किया है, उनको हम जेल भेजेंगे।